चंबल का शेर क्यों हारा चुनाव, जानिए कौन और कैसे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में अच्छे अच्छे दिग्गज चुनाव हार जाएंगे, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जैसे चुनाव हार गए, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए, लेकिन ग्वालियर चंबल इलाके का सबसे बड़ा नेता चुनाव हार जाए, ये किसी के गले उतर ही नहीं रहा। ग्वालियर चंबल की सबसे चर्चित सीट शिवपुरी विधानसभा से चंबल का शेर माने जाने वाले कांग्रेस के पी सिंह चुनाव हार गए। के पी सिंह को भाजपा के देवेंद्र जैन ने चुनाव हरा दिया। केपी सिंह करीब 30 सालों से चुनाव जीतते आ रहे हैं। देवेंद्र जैन को केपी सिंह के सामने कमजोर प्रत्याशी माना जा रहा था, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि जिसे कमजोर माना जा रहा है वो ही केपी सिंह को करारी हार देगा। बता दें, केपी सिंह हमेशा से पिछोर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते आ रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी। उन्होंने शिवपुरी से चुनाव लड़ने कांग्रेस से टिकट हासिल किया। हालांकि इसका काफी विरोध हुआ, क्योंकि शिवपुरी की कोलारस सीट से बीजेपी विधायक रहे वीरेंद्र रघुवंशी को कांग्रेस तोड़कर ले आई थी। इसके बाद में उनको टिकट नहीं दी गई। इसके पीछे वजह कहीं न कहीं केपी सिंह को ही माना गया था, लेकिन अब केपी सिंह को पछताना पड़ रहा है। उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया और क्यों अपनी ही पिछोड़ सीट को छोड़कर वो शिवपुरी सीट पर चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7।